तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग एटॉस इंटेल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो एटॉस इंटेल का इंटरव्यू मैंने 23 को दिया था, लास्ट मंथ। तो मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में, कि मेरे साथ कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे मुझे और आपको क्या कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने बेसिक्स क्लियर रखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस के, उसके बाद अपने ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, डेटा स्ट्रक्चर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर रखेंगे तो आपके लिए इंटरव्यूज़ में बहुत हेल्प हो जाएगी। ये जेनरिक बाकी सारे कंपनीज़ के लिए भी अप्लाई होता है। तो मैं जब मैंने मतलब मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ तो फर्स्टली ऑब्वियस क्वेश्चन था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो उसने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, मैंने अच्छे से अपना इंट्रोड्यूस अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद उसने मतलब मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है कोई भी इंटरव्यू में जाने से पहले, कि आपने जो भी रेज्यूमे में मेंशन किया हुआ है आप उससे थरो रहिए। मतलब अगर आपको जो रेज्यूमे में आपने मतलब लिखा हुआ है, अगर वो आपको परफेक्ट पता है सब कुछ उसके बारे में, तो आपका कोई भी इंटरव्यू अच्छे से जाएगा। मेरे को भी जो भी रेज्यूमे में था मेरे, उसके ऊपर ही मेरे को क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे कि मैंने लैंग्वेजेस में पाइथन और सी किया था, तो मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चंस उनके ऊपर पूछे गए। फिर उसने उन्होंने पूछा कि आपको डेटाबेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, मतलब आपको अगर रेट करना होगा डेटाबेस को 5 में से, तो आप कितने रेटिंग्स दोगे। तो मैंने बोला 3 रेटिंग्स दूंगा। तो फिर उन्होंने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया, एकदम बेसिक्स से क्वेश्चन पूछे पहले। स्टार्टिंग में ऐसे बेसिक्स में उन्होंने पहले डेटाबेस क्या है पूछा, डेटा व्हाट इज़ डेटा पूछा, फिर इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ऐसे ऐसे लेवल अप करते गए। और बाद में उन्होंने 2 क्वेरीज पूछे, जैसे कि मिन और मैक्स कैसे निकालते हैं, ऐसे ऐसे सिंपल क्वेरीज पूछते गए। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपने रेज्यूमे में मेंशन किया है, आपका प्रोजेक्ट हो गया, आपके इंटर्नशिप्स हो गए, आपका जो भी लैंग्वेज हो गया, जितने भी आपने लैंग्वेजेस मतलब मेंशन किया है इंटरव्यूज मतलब रेज्यूमे में, तो अगर आप वो भी परफेक्ट कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा, कोई भी इंटरव्यूज अच्छा जाएगा आपका। और मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे मतलब बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स हैं जो बता रहे हैं कि एटॉस इंटेल या एटॉस का जो है इंटरव्यू या इंटरव्यूअर जो भी आता है वो टफ होता है। मतलब वो पहले से माइंडसेट बना के आता है कि एक इंटरव्यू जो भी लेना टफ लेना, ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। वो जो भी इंटरव्यूअर मेरे थे वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे, एकदम पोलाइटली उन्होंने पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि मतलब इंटरव्यूअर को मतलब वो लोग आते हैं आप मतलब टफ इंटरव्यूज लेने के लिए, या आपको मतलब ऐसे प्रेशराइज करने के लिए कोई नहीं आता है गाइज। तो ये एक मिथ है कि इंटरव्यूअर टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और इंटरव्यूअर को आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा गाइज, जो आपको आता है जितना आता है उतना बताइएगा। और ये भी मिथ है कि इंटरव्यूअर को सब पता होता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो उसका एक्सपर्टीज़ है, अगर आपके रिज्यूमे में वो मेंशन होगा तो फिर आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और यही मेरी टिप होगी गाइस, होप आपको मेरा ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वाला वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को तो थैंक यू, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून गाइस, थैंक यू।